दोस्तों तीन रिश्ते केवल तीन वक्त में ही पहचाने जा सकते हैं, पत्नी गरीबी में, दोस्त मुसीबत में और औलाद बुढ़ापे में। और इंसान का स्वभाव कुछ इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। और सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, और ठीक से सोचो तो यही सत्य है। और शेर अगर चट्टान पर भी बैठ जाए तो वो चट्टान भी सिंहासन कहलाती है। इसलिए सिंहासन पाने के लिए नहीं बल्कि शेर बनने का प्रयास करें, ताकि आप जहां पर बैठे वही सिंहासन बन जाएं। और जब आपके काम आपके शब्दों से मेल नहीं खाते तो आपके शब्दों की कीमत कम होने लगती है। और एक बात याद रखना कि बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। और किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि इंसान की फितरत है, ना मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। और समझदार इंसान ना तो किसी की बुराई सुनता और ना ही किसी की बुराई करता है। अगर कोई इंसान आपके सामने किसी की बुराई करता है तो जरूर वो किसी और के सामने आपकी बुराई करता होगा। और बहाना एक ही काफी है, निभाना हो या छोड़ कर जाना हो। और कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा सकती है जहां अच्छी किस्मत कभी पहुंचा नहीं पाएगी। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने अगले कदम को हमेशा सीक्रेट रखिए, क्योंकि यहां आपका अच्छा चाहने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन बुरा चाहने वाले बहुत से लोग हैं। और खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। और उम्मीद से कम मिली हुई चीज तो खुद को चुपती है, लेकिन उम्मीद से ज्यादा मिली हुई चीजें दूसरों को। और धन से हम जीवन की सारी सुख सुविधा तो हासिल कर सकते हैं, मगर जीवन में सुकून केवल अच्छे कर्मों से ही आता है। और समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से ना करें, क्योंकि ये ना तो दोबारा आते हैं और ना ही दूसरा मौका देते। और नकारात्मक सोच घातक जहर की तरह होती है, जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को खत्म कर देती है। और गुजरे वक्त को याद करने में वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि जिंदगी का मतलब आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर देखना नहीं। और परिवार को मालिक की तरह नहीं बल्कि माली की तरह संभालो, जो ख्याल तो सबका रखता है मगर किसी पर हक नहीं जताता। और इंसान नहीं बोलता लेकिन उसके दिन बोलते हैं, और जब इंसान के दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और जिंदगी का मजा अपने तरीके से ही लेना चाहिए, लोगों की खुशी के चक्कर में तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। और अच्छी सेल्फी लेने से अच्छी इमेज नहीं बनती बल्कि अच्छे काम और मेहनत करने से अच्छी इमेज बनती है। और जब लड़ाई आपकी तूफानों से हो तब बेवजह शोर मचाने वाली लहरों पर ध्यान नहीं देते। और अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवों के टोकने से चील रुका नहीं करती। और अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कार का हो तो मानवता मरती है। और क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, गुरूर नहीं। और जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लो, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना है। और जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपके संघर्ष की कीमत जानते हैं, नहीं तो औरों के लिए आप सिर्फ किस्मत वाले हो। और पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले बनाकर नहीं देते, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। और कलम, कसम और कदम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। और अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ कि गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। तो इस वीडियो की सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को अपने करीब लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।